Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn grammar Sandhi. So Sandhi के अभी तक हमने चार videos देख चुके हैं. Sandhi होता क्या है, Sandhi कितने तरह के होते हैं, Sandhi के भेद कितने होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं. तो बच्चों स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं. तो इसमें हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये तीनों देख लिया. आज हम देखेंगे यण संधि. तो ये जो यण संधि है ये थोड़ा हटके है, मतलब ये जो वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि है इसमें क्या होता है, अंतिम वर्ण पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यानी ध्वनि मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उससे संधि बनता है. लेकिन यण संधि थोड़ा डिफरेंट है. तो हमारे स्वर वर्ण कितने हैं, स्वर है 11. जैसे मैंने आपको बताया अ आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ. तो यहाँ पर आपको करना है क्या, यण संधि में ये जो ई और ई है, ऊ ऊ है और ये जो री है, ये पांच स्वर वर्ण, ये पांच स्वर ये महत्व रखते हैं यण संधि में. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर यण संधि. तो यण संधि का परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन. जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री के बाद भिन्न जाति का कोई स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर या हलंत के रूप में, ऊ या ऊ के स्थान पर व हलंत के रूप में एवं री के स्थान पर र हलंत के रूप में आ जाता है. यानी कि हमें करना क्या है, अभी ये डेफिनेशन क्या कहता है, ये परिभाषा कहता क्या है. तो आपको ये समझना है कि आपका जो पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण क्या होगा, ह्रस्वई होगा या फिर दीर्घई होगा, या ह्रस्व होगा या फिर दीर्घ होगा या फिर री होगा. समझ में आया. तो पहले शब्द में अंतिम वर्ण क्या होगा, ई ई ऊ ऊ या री, इसमें कोई होगा. और उसके बाद यानी पहले शब्द के बाद जो दूसरा शब्द आता है इसमें क्या होगा, भिन्न जाति का कोई स्वर आए. भिन्न जाति का कोई स्वर आए मतलब अगर आपका पहला शब्द में अंतिम वर्ण ई ई आता है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि जो दूसरा शब्द का पहला वर्ण है, पहला ध्वनि है, वो ई या ई नहीं हो सकता. इसके अलावा कोई अलग सा स्वर हो सकता है लेकिन ये सो जाती है स्वर नहीं हो सकते. यानी कि ई के बाद ई नहीं आ सकता, ई के बाद ई नहीं आ सकता. अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई या ई है तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपका ई या ई नहीं आना चाहिए. इसके अलावा एक्सेप्ट दिस ई एंड ई और कुछ भी आएगा, और कोई भी स्वर आएगा. तो जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री के बाद भिन्न जाति के यानी कि अलग से कोई स्वर आए तो क्या होता है, ई या ई के स्थान पर ये य हो जाता है, व ओ या उ के स्थान पर व हलंत हो जाता है और री के स्थान पर र के रूप में ये आता है. चलिए जानते हैं नियम क्या है. तो मैंने क्या बताया, पहला शब्द का अंतिम वर्ण ई आएगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन सा आएगा,
कोई भिन्न स्वर, यानी कि ये ई या बड़ी ई नहीं आना चाहिए, ई नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी भिन्न स्वर आना चाहिए। उससे क्या होता है, जब ये अभी जुड़ते हैं तो ये ई का य में परिवर्तन हो जाता है। ये जो पहले वर्ण शब्द का अंतिम वर्ण रहता है ई, इसका य हलंत के रूप में परिवर्तन होता है। दैट मीन्स दिस ई इज गोइंग टू चेंज टू य। उसी हिसाब से ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का परिवर्तन भी य में होता है। और वैसे ही उ के बाद, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ हो, वो अगर दूसरे शब्द के पहले वर्ण कोई भिन्न स्वर, ना कि ये उ और उ आएगा, उससे मेल होता है तो वो में परिवर्तित होता है। उसी हिसाब से पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी भिन्न स्वर हो, लेकिन उ नहीं होना चाहिए, तब क्या होता है, ये उ का वो में परिवर्तन होता है। री का देखिए, री अगर पहले वर्ण का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आता है री, वो अगर किसी भिन्न स्वर जो कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण हो, उसका मेल होता है, तो ये री का र में परिवर्तन होता है। समझ में आया? अभी उदाहरण पे आते हैं, उदाहरण देंगे तो अधिक समझ में आएगा आपको। मैंने क्या बताया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हरश्वयी दीर्घयी या फिर हरसु दीर्घु या फिर री आएगा, और जो दूसरे शब्द होंगे उसका पहला वर्ण कोई भिन्न जाति के स्वर होंगे, कोई भिन्न स्वर होंगे। तो अभी आते हैं पहले उदाहरण पर, अति जमा अधिक। तो ये जो अति है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? इसका अंतिम वर्ण है क्या? त। अंतिम वर्ण है त, इसमें ई की मात्रा है, तो अति। सो अगर हम इसे देखेंगे, हम अगर उच्चारण करेंगे तो ये आया ई। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? अ। और ये जब ई और अ मिलता है तो मैंने आपको क्या बताया, यह होता है। तो अभी देखिए अति, ये अति क्या हुआ, त, ये त में ये य जाकर जुड़ेगा। तो अगर ये त में ये य जाकर जुड़ेगा, ये क्या होगा, ये आधा हो जाएगा। यहाँ पे एक रूल है, एक नियम है, आपको याद रखना होगा ये नियम को। नियम क्या कहता है, नियम कहता है जिन व्यंजनों में से ई उ या री निकल जाएगा, वे हलंत रूप में आ जाएंगे। यानी यहाँ पर ये जो है ती अति, यहाँ पर ये हुआ अ जमा त हलंत जमा ई। इसे अगर हम, इस अति को हम स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा ना। तो अगर हम यहां से ये ई को हटा देते हैं, ले जाते हैं, तो क्या रहता है, वही त रहता है लेकिन हलंत के रूप में, आधा त जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर रहा आधा त। तो ये ई दूसरे वर्ण में क्या है, दूसरे वर्ण में पहला, दूसरे शब्द में पहला वर्ण क्या है, अ है। तो ये जो ई और अ का मेल हुआ, यहाँ पर ये जो ई और अ का मेल हुआ, तो ये मिलकर बने क्या, यह हलंत, हाँ कि ना, हमारे डेफिनेशन के हिसाब से यह हलंत के रूप में आया। तो अभी इसे क्या करना है, हमें यहाँ पर ये जो अंतिम वर्ण है, अंतिम व्यंजन है, उसके साथ जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर ई जो वो कन्वर्ट हो जाएगा य हलंत में। तो यह आया अ, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं अ
प्लस त हलंत प्लस और जमा इसे बोल सकते हैं। यहां पर ये जो अ है ये हटेगा नहीं, ये रहेगा, ये हटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो ई जमा अ ये मर्ज होकर कुछ यह हलंत ऐसा नहीं, यहाँ पे ये रूल नहीं आता है। यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होता है यह जाकर सीधा आपके अंतिम व्यंजन को व्यंजन के साथ जुड़ता है। तो अ त हलंत, इसके बाद आया क्या यह हलंत फिर अ, सो अ त हलन जमा य हलन जमा अ, तो य हलन जमा अ क्या हो गया य। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या हुआ अ त हलन य अत्य अत्य। यहां पर त हलन यानी कि ये त आधा हो, आधा त है, पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं है, पूर्ण व्यंजन ये नहीं है। तो इसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं, जैसे संयुक्ताक्षर लिखते हैं ना, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये रहा आधा त, ये य के साथ जुड़ जाएगा अत्य, उसके बाद क्या है धिक, अत्यधिक। समझ में आया, उसी हिसाब से देवी जमा अर्पण, तो यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर अ है, तो क्या हुआ देव्यर्पण। सु जमा अच्छ स्वच्छ, क्योंकि उ जमा अ वो हुआ, अति जमा आचार, ई जमा आ क्या होगा या अत्याचार, नदी जमा आगमन नद्यागमन, क्योंकि ई आ मिलकर या होता है। उसी हिसाब से बधु जमा आगमन, यहाँ पे बड़ी उ है, उ जमा आ क्या होगा वो में आ का मात्रा है क्योंकि यहाँ पर आ है, तो बध्वागमन। अनु जमा इति अन्विति, अनु जमा एषण अन्वेषण, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा, क्योंकि यहाँ पर ये र में कन्वर्ट हो जाएगा, री जमा आ र होगा, तो ये जाकर अगर त में लगेगा त में र की मात्रा लगेगा तो त्र होगा, तो त्र कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, तो पित्राज्ञा। मातृ जमा उपदेश मातृपदेश मातृपदेश, देखिए ये री की मात्रा यहाँ पर ऐसे संधि होने के बाद त्र र के मात्रा में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर उ है फिर मातृ मातृपदेश। समझ में आया, सो ये था आपका यण संधि जो थोड़ा हटके है, आई होप आपको समझ में आया होगा यण संधि किसे कहते हैं और कौन कौन से सुर कौन कौन से स्वर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ध्यान ये है पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री आएगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण सो जातीय ना होकर भिन्न जाति के होंगे, यानी कि अगर पहला शब्द का अंतिम वर्ण आपका उ आता है तो आपका दूसरा शब्द का पहला वर्ण उ या फिर ऊ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा एक्सेप्ट दैट यू कैन ऐड एनी अदर वाउल्स, आप कोई अलग सा स्वर इन दोनों के अलावा ऊ के अलावा आप कोई अलग सा स्वर वहां पे दूसरे शब्द में होना चाहिए आपका, और ये सारे जो नियम इससे आप ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद ये उदाहरण जैसे मैंने आपको पहला उदाहरण आराम से समझाया उसी हिसाब से आप दूसरे उदाहरण पर गौर कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे बहुत सारे नए वीडियोस डाल सकूं। इसमें ना ही मेरा प्लान है कि कुछ आपके रिलेटेड सिलेबस ऐसे डालूं,
नॉर्मल जेन्युइन ग्रामर भी मैं डालने की सोच रही हूँ। इसके अलावा प्रचार सभा के जितने भी लेवल्स ऑफ एग्जाम है उसके वीडियोस में डालने की प्लानिंग है मेरे। तो बहुत कुछ आप देख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू चिल्ड्रेन, थैंक यू सो मच।